बहुत ही अच्छे होंगे। आप जो देख रहे हैं टाटा की सिग्ना गाड़ी है, जो कि 16 व्हील 16 चक्के की गाड़ी है, तो इसको हम लोग आपको फुल व्यू दिखाते हैं। ये सिग्ना जो कि क्या फीचर्स है, इसको हम सारा चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हेडलाइट है और ये राइट साइड की हेडलाइट है, और फिर हम लोग लेफ़्ट साइड आते हैं। पहले राइट देख लें, राइट में लेफ़्ट साइड आते हैं तो लेफ़्ट साइड की हेडलाइट देखा जाए, सेम है दोनों लगभग, पर डिज़ाइन नीचे नीचे साइड दी है जो कि काफ़ी शानदार लग रही है। ये फ्रंट की ग्रिल जो कि छोटी छोटी जाली में दी है, और ये साइड से लुकिंग देखा जाए तो काफ़ी शानदार वाइट कलर में। ये व्हील जो कि 00R20 20 नंबर की टायर है, ये एग्जॉस्ट लाइन निकलने के लिए, एग्जॉस्ट के लिए एयर फिल्टर का गैस निकलने के लिए, जो कि इसमें एयर फिल्टर लगती है। यह हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल इसमें लगता है। बॉडी काफ़ी, ये देखा है डाला काफ़ी शानदार, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दो टंकी मिलेगी आपको, जिसमें कि एक टंकी में आपको फ्यूल मिल जाती है और एक टंकी में यूरिया मिल जाती है। तो ये फ्यूल की टैंक है और ये मैक्सी क्लीन की टैंक है जिसमें यूरिया लगता है। और ये टायर हो गया आपका 2, 4 और 6, 6 6 12, और 2 16 टायर है आपकी, जो कि 20 नंबर की टायर है। ये बॉडी देखें काफ़ी लॉन्ग है, दूर से दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि फ़ोन से तो नज़दीक से ज़्यादा दिखेगी ना, बड़ी बड़ी गाड़ी है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा लंबाई, और पीछे साइड आए तो देखिए ये एलईडी में फुल्ली एलईडी, जो कि काफ़ी शानदार लुक है, जो कि कार वगैरह में एलईडी में आती है, उसी प्रकार से इसमें भी दी रखी है। ये लेफ़्ट साइड भी आए तो सेम है और एलईडी में है, बड़ा शानदार। ये चेसिस देखेंगे तो चेसिस भी काफ़ी मजबूत है, जो कि अंदर से डबल डबल पत्ती पे है, और ये ऊपर से हाइट देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पीछे। तो ये साइड से रेडियम भी है, साइड लाइट भी है। चलते हैं अब अंदर की ओर, जो कि जैसे फर्स्ट में घुसते ही हमें हैंड ब्रेक मिल जाती है, और यहाँ पे डाला उठाने के लिए हमें मिल जाती है लीवर। और ये देखें तो ब्रेक पैडल भी बड़ी शानदार है, ब्रेक पैडल अच्छी है हर गाड़ी से हट के। ये स्टीयरिंग स्टेयरिंग की की लुक लुक देखें देखें तो टाटा की लोगो स्टेयरिंग के ऊपर, और काफ़ी हाइट। ऊपर साइड देखें तो यहाँ पे स्पेस दी है कुछ सामान उमान रखने के लिए सर के ऊपर, सामने साइड। और साइड में जो है आपको स्पीकर के लिए मिल जाती है साउंड, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है नाइट मोड लाइट, जो कि स्विच भी उसी में है, अलग से स्विच नहीं है इसकी, उसी से ऑन होगा उसी से ऑफ होगा। और इधर लेफ़्ट साइड भी आपको मिल जाती है सामान उमान रखने के लिए, छोटा मोटा सामान रखने के लिए, और स्पीकर भी डाल सकते हैं स्पीकर के लिए, दोनों साइड स्पीकर के लिए भी है। और ये पीछे साइड देखें तो ड्राइविंग सीट के पीछे एक हमें आराम करने के लिए बढ़िया सी सीट मिल जाती है, जो कि लगभग काफ़ी लंबाई है, मतलब आराम से एक आदमी सो सकते हैं इसमें, आरामदायक मुलायम सीट है। स्पेस तो केबिन में खैर बहुत ज़्यादा है, और ये देखें सीट बैठने वाली भी काफ़ी मुलायम। ये एसी वेरिएंट में एसी की स्विच है, एसी कंट्रोलर, और गाड़ी के जितने फीचर्स है सारे के स्विच यहाँ एक ही जगह दी है, जैसे टर्न लाइट हो गए, बॉडी डाला को चढ़ाव पे डालने के लिए ABS वाली, बहुत सारी फीचर्स है। और यहाँ पे है क्लस्टर मीटर, देखें तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर मीटर है, जो कि देखने में भी थोड़ी अच्छी लगती है।
केबिन बहुत ज़्यादा स्पेस है, दो आदमी के लिए घर है ये, बिल्कुल। यहाँ पे गियर देखें तो आपको 10 गियर मिल जाती है, 8 फ्रंट गियर, 1 रिवर्स और 1 लोड गियर। ये स्पेस जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस है। थोड़ा बैक होके दिखाता हूँ, आगे इम्पीरियल जो शानदार दिख रही है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही आप लोग लाइक करें, शेयर करें, मैं और दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा।